गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अलंकार्स। पिछले वीडियो में हमने सीखा था अलंकार नंबर 1 से अलंकार नंबर 5 तक भी कैसे गाते हैं। अब हम सीखेंगे अलंकार नंबर 6 टू अलंकार नंबर 10 कि कैसे गाते हैं उसको। सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा सा नी धा नी धा पा मा गा मा गा रे सा। ये हो गया अलंकार नंबर 6। और इसमें तीन तीन के ग्रुप बनाने हैं। उसके बाद नंबर 7, सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा नी धा पा नी धा पा मा गा रे मा गा रे सा। तो ये हो गया अलंकार नंबर 7। इसमें चार चार स्वरों के ग्रुप बनाने हैं। पीछे वाले में तीन तीन स्वरों के ग्रुप बनाए थे, अब चार चार स्वरों के ग्रुप, और नेक्स्ट में पांच पांच स्वरों के ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए कैसे। सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा। ये हो गया आरोह। अब इसके बाद अवरोह। सा नी धा पा मा नी धा पा मा गा धा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। ये हो गया अलंकार नंबर 8। और इसमें पांच पांच स्वरों के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। और इसके बाद करेंगे नेक्स्ट नंबर 9। सारे सारे गा रे गा रे गा मा गा मा गा मा पा मा पा मा पा धा पा धा पा धनी धनी सा नी धा पा मा गा मा गा मा गा रे गर गर सा। योगा अलंकार नंबर 9। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें दो स्वरों को डबल बार बोलेंगे, जैसे सारे सारे दो बार बोल के उसके बाद नेक्स्ट स्वर पे जाएंगे, जैसे सारे सारे गा ऐसे, फिर रेगा रेगा मा। अब रेगा रेगा दो बार बोला है, उसके बाद गामा गामा पा गामा गामा ये दो बार बोला है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्वर पे जाना है। इसी तरह आरोह करना है और इसी तरह इसका अवरोह करना है, ठीक है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट नंबर 10। उसको कैसे गाएंगे, उसको एक स्वर बीच का छोड़ देंगे, जैसे सा रे गा। अब सा रे गा है तो सा और गा बोलेंगे, रे छोड़ेंगे, सा रे गा। अब इसमें रे है ये छोड़ेंगे, कैसे सा गा। उसके बाद नेक्स्ट रे रे गा मा। अब रे गा मा नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे, गा छोड़ देंगे, रे रे मा। उसी तरह गा पा मा धा पानी धसा। इसी तरह इसका आरोह करेंगे। तो चलिए देखिए आरोह करते हैं इसका। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धसा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। अब इसका ये आरोह और अवरोह कर दिया हमने, तो एक एक स्वर बीच में से छोड़ के। अब ये अलंकार हो गया आपके 6 टू 10।
तो ये 5 अलंकार हैं जो आपको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और अपने क्लास के ग्रुप में भेजना है। थैंक यू।